हेलो एवरीवन, आज मैं एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है ईगल्स एंड यंगस्टर। इस ड्रामे का जब मैंने पहला एपिसोड देखा तो तब से ही मुझे लगने लगा कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। इस ड्रामे की जेनर है मिस्ट्री और एडवेंचर। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंज्यूमेशन की एक्सप्लेनेशन को रोक रही हूँ, मैं उसको भी इस ड्रामे के साथ ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मतलब कि एक दिन इस ड्रामे का एपिसोड आएगा तो दूसरे दिन कंज्यूमेशन का। तो लेट्स रोल द इंट्रो। पार्ट वन की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है सेंग बाओ चिन, वो वाइट ईगल के पीछे पीछे जा रहा होता है कि तभी उसका घोड़ा स्लिप खा के गिर जाता है और वो भी गिर जाता है और वो सीधा जाकर हड्डियों के जंगल में पहुंच जाता है और कहता है कि हड्डियों का जंगल फिर से। उसके बाद वो खड़ा होकर वाइट ईगल को देखता है जो कि एक लड़की के पास आकर रुकती है। यहाँ से सीन कट हो जाता है और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो बाओ चिन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा शरारती और नटखट टाइप का लड़का होता है। वो अपने स्कूल के बाहर होता है और कुछ लोग स्कूल को विजिट करने के लिए आए होते हैं। बाओ चिन पहले थोड़ी अलग अलग जगहों के नाम लेकर बताता है कि मैं देखो यहाँ पर गया था, यहाँ पर गया था। फिर वो चाइना में एक माउंटेन है जिसका नाम है चियान बाई, उस जगह का नाम लेकर कहता है कि जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर रास्ते में बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही थी। पर मैं वहाँ पर तो सारे लोग पूछते हैं कि पर क्या, तो बाओ चिन कहता है कि ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये मेरे क्लब के रूल के खिलाफ है। वैसे भी तुम लोग कहाँ समझोगे, मेरा क्लब तो कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहता है। तो वो सारे लोग पूछते हैं कि कैसी एक्टिविटी। बाओ चिन उसे बताता है कि जैसे कि रहस्यमय चीज़ों की खोज करना, अजीब अजीब जगहों पर जाकर वहाँ का रहस्य जानना। देखो इस स्कूल को, यहाँ पर भी ऐसी कई जगह है जहाँ का रहस्य मुझे पता है, पर ये सारा काम तो मेरे क्लब के लोग ही कर सकते हैं। तो वो सारे विजिट करने आए लोग कहते हैं कि हमें भी उस क्लब का मेंबर बनना है। बाओ चिन उसे बताता है कि मेरे क्लब का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है। तो वो सारे लोग उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो बाओ चिन उसे कहता है कि चलो 10-10 रुपये निकालो, और इतने में ही वो लोग उसके क्लब के मेंबर बन जाते हैं। बाओ चिन उसे यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर आता है जहाँ पर डरावनी आवाज़ें आ रही होती है और लाइट भी बस चालू बंद हो रही होती है। तो इससे वो जो लोग आए थे विजिट करने के लिए स्कूल को, वो डर जाते हैं। बाओ चिन उसे कहता है कि अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोग ना ज़्यादा सोच रहे हो, पर लाइट तो बस चालू बंद हो रही थी। तो वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं बाओ चिन को कि यहाँ क्या हो रहा है। जब बाओ चिन पीछे मुड़ता है तो कुछ ऐसा फेस उसका होता है और ये देखकर तो सारे लोग डर जाते हैं। एक सेकंड भी गवाए बिना वो सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। पीछे से मिस्टर ल्यू आकर कहते हैं कि बाओ चिन ये तुम ही हो ना। बाओ चिन उसे कहता है कि मैं इस हालत में हूँ, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। उसके बाद मिस्टर ल्यू एंड बाओ चिन बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर ल्यू से कहते हैं कि ये शरारती लड़का तो कभी नहीं सुधरेगा, तुम्हें पता है ना ये जियोलॉजी रिसर्च सेंटर है तो तुम्हें यहाँ पर लोगों को नहीं लाना चाहिए, वैसे तुमने उसके पास से कितने पैसे लिए। तो बाओ चिन उसे डरते हुए कहता है कि बस 10-10 रुपये लिए एक आदमी के। मिस्टर ल्यू उसे समझाते हैं कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बात बदलते हुए बाओ चिन उसे कहता है कि पर आप तो बहुत ही जल्दी आ गए, अब तो आधे महीने बाद आने वाले थे ना, आपकी क्या रिसर्च पूरी हो गई, मुझे तो लगता है कि आपके हाथ ना जरूर कोई खजाना लगा है। तो मिस्टर ल्यू उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो दोनों गोल्ड माइन की बातें करने लगते हैं। मिस्टर ल्यू कुछ पेपर्स को अपने बैग में रख रहे होते हैं, दूर से बाओ चिन भी उसे देख रहा होता है। बाओ चिन जब उस पेपर के बारे में पूछता है तो मिस्टर ल्यू उसे कुछ भी नहीं बताते, पर बाओ चिन की नज़रें तो उस पेपर पर ही टिकी होती है। फिर मिस्टर ल्यू उसे समझाने लगते हैं कि देखो तुम्हें ना लाइफ में कुछ करना चाहिए,
तो बाउचिन कहता है कि अरे मेरा पेट अचानक से दर्द करने लगा, रुको जरा मैं अभी टॉयलेट होकर आता हूँ। बाहर जब वो पहुँचता है तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है क्योंकि मिस्टर लियू के भाषण से बचने के लिए वो सब बाउचिन ने किया होता है। वहाँ पर बाउचिन एक अजीब सी फुटप्रिंट को देखकर कहता है कि ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, कि तभी ही उसके पेट में गड़बड़ होने लगती है और कहता है कि हे भगवान इस बार तो सच में टॉयलेट जाना पड़ेगा। वो बस टॉयलेट में होता ही कि तभी ही लाइट चली जाती है। वैसे गाइस आपके साथ भी ये सब हुआ है कि जब आप टॉयलेट गए हो और लाइट या पानी चला गया हो? वैसे मेरे साथ तो कई बार हुआ है। खैर जाने दीजिए। यहाँ पर बाउचिन देखता है कि क्या लाइट चली गई और फिर अपने ही बाजू वाले टॉयलेट में देखता है कि यहाँ पर कुछ है, बहुत ही ज़्यादा अजीब उसके पैर होते हैं। बाहर जाकर बाउचिन देखता है तो वो आदमी वहाँ से भाग गया होता है, तो बाउचिन उसका पीछा करता है। फिर उसको मिस्टर लियू के बारे में याद आता है तो वो मिस्टर लियू की लैब में जाता है। जब वो मिस्टर लियू को देखता है तो उसकी हालत कुछ ऐसी होती है, ये देखकर बाउचिन डर जाता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है क्योंकि मिस्टर लियू की ऐसी हालत होने की वजह से वो बाउचिन पर हमला कर रहे होते हैं। बाउचिन तो बस अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा होता है क्योंकि वो तो उसके टीचर होते हैं, वो भला उसे कैसे मार सकता है। इसी हाथापाई में बाउचिन मिस्टर लियू को धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसे तो जहर किसी ने पिला दिया होता है तो वो बेहोश हो जाते हैं। और ये देखकर बाउचिन सीधा डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है वहाँ से, कि तभी ही मिस्टर लियू की लैब में हम एक सस्पिशियस इंसान को देखते हैं जो कि उसका बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिस्टर लियू को हॉस्पिटलाइज किया जाता है जहाँ पर वो कोमा में चले गए होते हैं। डॉक्टर बाउचिन को बताते हैं कि मिस्टर लियू के शरीर के अंदर न्यूरोटॉक्सिक है जो कि बताना मुश्किल हो रहा है कि ये किस प्रकार का जहर है। बाउचिन मिस्टर लियू के हाथ में कुछ लगा हुआ देखता है तो वो डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर जब उस चीज़ को निकालते हैं तो वो कुछ निडल जैसा होता है और वो बाहर आते ही हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर बाउचिन और डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं कि ये क्या था, आखिर में मिस्टर लियू के साथ क्या हुआ था। तो बाउचिन कहता है कि मैं टॉयलेट में था और लाइट चली गई और बाहर मैंने एक सस्पिशियस इंसान को देखा तो मैं उसका पीछा करने लगा, पर फिर मैं मिस्टर लियू के लैब में गया तो वो तो पूरे पागल हो चुके थे और मुझे मारने पर तुले थे, पर वो इंसान मिस्टर लियू का बैग लेकर वहाँ से चला गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा काम ना उस सस्पिशियस आदमी का ही है। इतना कहते ही बाउचिन वहाँ से चला जाता है। रात के टाइम पर बाउचिन देखता है कि मिस्टर लियू की लैब में कुछ सामान आया है और वो बहुत ही बड़ा बॉक्स होता है। जब उस बॉक्स को खोलकर बाउचिन देखता है तो वहाँ पर एक लड़की की लाश होती है और ये लड़की हमारी हीरोइन है जिसका नाम शाई गुआ है। फिर बाउचिन देखता है कि इस लाश के पास तो कुछ निडल्स जैसा है तो वो कहता है कि मुर्दे के पास ये वैक्सीन क्या कर रही है, कि तभी ही वो लड़की यानी कि शाइकुआ उठती है तो ये देखकर बाउचिन उसे ज़ोर से पंच मार देता है। शाइकुआ फिर बेहोश हो जाती है तो बाउचिन उसे अपने घर लेकर आता है। घर में उसकी माँ होती है, जब वो देखती है बाउचिन को इस हालत में तो वो कहती है कि क्या तुम इस लड़की को किडनैप करके लाए हो। ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बाउचिन की मम्मी शाइगुआ के लिए सूप बना रही होती है और वो बाउचिन से पूछती है कि तुमने उस लाश को क्यों मारा, तो बाउचिन उसे कहता है कि लाश अचानक से जिंदा हो गई तो फिर मैं क्या करता। फिर बाउचिन हॉट बैग लेकर शाइगुआ के लिए मतलब कि शाइगुआ के बेड में रखने जा रहा होता है कि तभी शाइगुआ उठ जाती है। जब वो बाउचिन को अपने इतने करीब देखती है तो वो झट से उठ जाती है और बाउचिन को मारने लगती है और कहती है कि तुम हो एक लड़की बाज। तो बाउचिन कहता है कि पर मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, पर शाइगुआ तो उस पर हमला करने लगती है तो गलती से बाउचिन से उसके कपड़े फट जाते हैं। तो इस पर तो शाइगुआ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके साथ लड़ाई करने लगती है और इन दोनों की लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है। और जहाँ पर ये सुनकर उसकी माँ भी वहाँ चली आती है। उसकी माँ जब कमरे में आती है तो कुछ ऐसा सीन होता है जिससे उसकी माँ गलत समझ लेती है और उल्टा बाउचिन पर जोर से एक पंच मार देती है। फिर वो बाउचिन की मरहम पट्टी कर रही होती है।
और वो शैगुआ से बातें करने लगती है। तो शैगुआ उसे कहती है कि क्या आप भूत है? ये सुनकर तो बाउचिंग कहता है कि हे भगवान, तुम एक लाश होकर भी जिंदा हो गई और हमें भूत कह रही हो। बाउचिंग की माँ कहती है कि हम लोग इंसान हैं, देखो हमारे हाथ कितने गर्म है। शैगुआ फिर उसकी माँ के हाथ को टच करती है। उसकी माँ कहती है शैगुआ से कि मेरे बेटे का नाम है जेंग बाउचिंग और ये थोड़ा नादान और बिगड़ा हुआ बच्चा है, पर देखो इसकी नीयत बुरी नहीं है। भाई ये सुनकर तो बाउचिंग वॉज लाइक, माँ आप मेरी माँ हो कि उसकी? फिर शैगुआ उसे कहती है कि मेरा नाम शैगुआ है, मैं ईगल विलेज से हूँ। वैसे मैं कहाँ पर हूँ? बाउचिंग कहता है कि बीजिंग पर। शैगुआ उसे कहती है कि बीजिंग से ईगल विलेज कितना दूर होगा? ये सुनकर बाउचिंग कहता है कि कौन सा विलेज, कैसा विलेज? देखो बहन, ये बीजिंग है, चाइना का कैपिटल, यहाँ से तुम कहीं पर भी जा सकती हो। शैगुआ ये देखकर बाहर देखती है, जो कि उसे बीजिंग सिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर बाउचिंग उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम वैसे यहाँ कर क्या रही हो? और तुम्हें मिस्टर लियू की रिसर्च सेंटर में लाया गया है। शैगुआ मिस्टर लियू का नाम सुनकर ही कहती है कि अच्छा, प्रोफेसर लू? हाँ, वो हमारे विलेज में आए थे, मतलब कि ईगल विलेज में आए थे, और मैं ना उसकी गाइड बनी थी। तो बाउचिंग उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा जो ये ईगल विलेज है वो उत्तर की तरफ बर्फीले पहाड़ों के बीच में है। तो शैगुआ उसे कहती है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? बाउचिंग उसे कहता है कि हाँ पता नहीं, कोई ईगल विलेज से आया था और मिस्टर लियू का बैग चुरा कर वहाँ से चला गया। मिस्टर लियू अभी भी कोमा में है। वैसे तुमने किसी मॉन्स्टर के बारे में सुना है जिससे मिलने के बाद इंसान एकदम से पागल और अनकॉन्शियस हो जाता है? यहाँ पर बाउचिंग उस इंसान के बारे में ही बात कर रहा होता है जिसने मिस्टर लियू का बैग चुराया था। तो शैगुआ उसे कहती है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? देखो ये एक श्राप है जो कि माँ दियानचिन ने दिया था। माँ दियानचिन का जब श्राप लगता है तो आदमी का हाल कुछ ऐसा ही होता है, वो एकदम से पागल हो जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। वो एक राक्षस है, यानी कि एक डीमन है। ये सुनकर तो शहरी लड़के बाउचिंग को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि राक्षस यानी कि डीमन जैसा भी कुछ होता है, श्राप वगैरह भी किसी पर लग सकते हैं। शैगुआ उसे कहती है कि लावलोंगकुओ एक ऐसी जगह है जहाँ पर माँ दियानचिन का श्राप लगता है, जो कोई भी उस जगह पर जाता है उसको ये श्राप लग जाता है, क्योंकि माँ दियानचिन उस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सुनकर बाउचिंग कहता है कि मुझे लगता है ना तुमने शायद पी रखी है। शैगुआ उसे कहती है मैं और मिस्टर लियू उसी श्रापित वाली जगह से, मतलब जगह पर गए थे, पर वहाँ से हम लोग दूर थे, उस जगह पर तो नहीं गए थे, पर फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे मिस्टर लियू तो नहीं है, वो अचानक से गायब हो गए, तो मैं उसकी फुटप्रिंट को फॉलो करने लगी और उसको ढूंढने लगी, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि वंडर ईगल वहाँ पर आ गया और अचानक से बर्फ़ की ज़मीन टूटने लगी और मैं एक क्लिफ के अंदर गिरने लगी और धीरे धीरे वो क्लिफ यानी कि बर्फ़ की जो ज़मीन थी वो फिर से जुड़ने लगी थी, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि तुम मेरे ऊपर थे। तो बाउचिंग उसे कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस हॉट बैग देने के लिए आया था। और इन दोनों का झगड़ा फिर से स्टार्ट हो जाता है कि तभी वहाँ पर बाउचिंग की माँ आ जाती है। वो कहती है कि लड़ना बंद करो और शैगुआ तुम बाउचिंग के कमरे में सो जाना और बाउचिंग तुम यहाँ सोफे पर सोओगे। तो ये सुनकर बाउचिंग का मुंह लटक जाता है। अगली सुबह शैगुआ और बाउचिंग घर में होते हैं और उसकी माँ सब्जी लेने, मतलब कि ब्रेकफास्ट को लेने के लिए बाहर गई होती है। बाउचिंग उठकर ब्रश करने लगता है और शैगुआ से कहता है कि वैसे तुम कब जाने वाली हो? तो शैगुआ उसे कहती है कि हाँ बस जल्दी ही मैं निकल जाऊंगी। तो बाउचिंग अपना ब्रश करना छोड़ कर कहता है कि क्यों ना हम साथ चले, मतलब कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ने आऊँ। शैगुआ उसे कहती है कि पर हमें तो तुम्हारी माँ की परमिशन पहले लेनी चाहिए ना। बाउचिंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अगर मैंने उससे पूछा ना कि मैं तुम्हारे साथ ईगल विलेज जाने वाला हूँ तो वो तो मुझे कभी परमिशन नहीं देगी।
और बाहर से उसकी माँ ये सारी बातें सुन लेती है और बाउचिन का पोपट हो जाता है। पर बाउचिन उसे कहता है कि माँ मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मुझे मिस्टर ल्यू की क्योर के बारे में पता लगाना है कि उसको कौन सा जहर लगा, क्योंकि डॉक्टर को भी उसके एंटीडोट के बारे में पता नहीं है। यहाँ पर वो अपने टीचर की जिंदगी को बचाने के लिए ईगल विलेज जाने के लिए तैयार होता है, तो वो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारे साथ एक लड़की भी है, तो ज़रा ध्यान से जाना और उसका ख्याल रखना। फिर बाउचिन और शाई गुआ वहाँ से ट्रेन लेकर ईगल विलेज जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में शाई गुआ बाउचिन से कहती है कि मैं 6 दिन से श्रापित हूँ और मेरा भाई भी मेरी चिंता कर रहा होगा। उसके बाद वो बाउचिन से कहती है कि वैसे तुम उस जहर का इलाज ढूंढने तो जा रहे हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ईगल विलेज तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ, तो मैं जब देखोगे तो वहाँ पर तो सिर्फ जंगल ही जंगल होगा, ऐसे में तुम उस जहर का तोड़ कैसे ढूंढ पाओगे। तो बाउचिन उसे कहता है कि मेरा नाम जेंग बाउचिन है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद वो ट्रेन से उतरकर पैदल ही ईगल विलेज जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर बाउचिन ने तो पहली बार इतनी सारी बर्फ़ देखी होती है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगता है। शाई गुआ उसे कहती है कि गाना गाना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पर भेड़िए हो गए और जंगल भी स्टार्ट हो गया है। बाउचिन उसे कहता है कि भेड़िए, हाँ वो तो मैंने जू में देखे थे, वो तो मेरे कुत्तों से भी छोटे होते हैं। फिर शाई गुआ एक लकड़ी के टुकड़े को देखती है और समझ जाती है कि यहाँ पर शिकारियों ने जाल फेंका है, तो वो जानबूझकर बाउचिन को उस जगह पर लाती है। जब बाउचिन उस जगह पर जाता है तो वो तो उल्टा ही लटक जाता है और शाई गुआ से कहता है कि जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो, पर एक मिनट, तुमने ये जानबूझकर किया है ना। शाई गुआ कहती है कि हाँ मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये जंगल ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम ना यहाँ से अब निकलो। शाई गुआ उसका बैग लेकर वहाँ से चली जाती है और बाउचिन बस चिल्लाता रह जाता है कि तभी वहाँ पर रात होते ही एक भेड़िया आ जाता है। उस भेड़िए को देख कर बाउचिन कहता है कि ये क्या, ये तो मेरे कुत्ते से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो भेड़िया बाउचिन पर हमला कर देता है और कुछ ऐसा सीन हो जाता है। ये सीन ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, मतलब कि आप देखना वीडियो में, अगर आप देखोगे तो आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये पार्ट यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। गाइस ये जो ड्रामा है वो 2018 में रिलीज़ हुआ था, पर इसकी जो कहानी है वो 1980 की, मतलब कि 30 साल पुरानी कहानी है। वेल ये पार्ट तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वेट करना और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।